हाय फ्रेंड्स, अनु डॉट अरूप ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम और हरी मिर्च, नमक, थोड़ा सा प्याज दे के एक चटनी बनाएंगे। इसमें ये कढ़ाई में नहीं डालेंगे ना तो इसमें फोड़न देंगे। तो मैं मार्केट से आम लेके आया था, कच्चा आम। आप इसको अनु काट रही है, पहले धो लिया है इसने, उसके बाद इसे छील के फिर छोटा छोटा करके काटना पड़ेगा आपको। तो ये काट रही है, आप लोग देखते रहिए और ज़रूर घर पे भी बनाइएगा। ये वीडियो पूरा देख लेना, पहले स्किप ना करके ये वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद किसी दिन बनाना, बना के ज़रूर बताना कैसे बना है। और हमारे वीडियो देख के आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये हम बनाएंगे, बहुत स्पाइसी होगा ये, और ये आप रोटी के साथ नहीं खा सकते हो, सिर्फ चावल के साथ खा सकते हो। बिरयानी के साथ तो और भी अच्छा लगता है ये। इसे हम सिलबट्टा से नहीं पीसेंगे, इसे हम पीसेंगे मिक्सी से। तो ये आम को पहले अनु को काट रही है, उसके बाद इसको छोटा छोटा पीस करना पड़ेगा। सिलबट्टा में क्या होता है, सिलबट्टा में अगर थोड़ा सा ठोक ठाक के उसके बाद पीसते हैं तो बड़ा होगा, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मिक्सी में अगर आप बड़ा डाल दोगे ना तो आधा आपका पीस जाएगा, आधा ऐसे खड़ा खड़ा रहेगा। तो इसलिए अनु ये देखो छोटा छोटा पीस कर दिया, और भी कटोरी में जितना है सबको बाहर निकाल के फिर एक एक करके काटेगी। देखो सब जितना है सबको छोटा छोटा करेगी। ये तो इतना स्पाइसी बनता है, मतलब क्या बताऊँ। जो आदमी खट्टा पसंद करता है वो तो बोलेगा एक बार बना लिया तो दूसरी बार भी मैं बना के खाऊंगा। आप लोग जरूर बनाइए इसे। इतना छोटा छोटा पीस काट दी है इसने, अरे कुछ का सा एक छोटा सा आम रह गया था। ये मतलब गर्मी, इतना गर्मी है यहाँ पे, 45 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या करिए, इसको काट के दे दिया। अब इसमें देखो, इसमें हम ले लिए हैं 6-7 हरी मिर्च और नमक, अब मिक्सी में डाल देंगे। एक रह गया था उसके अंदर वो व्हाइट सा, उसको भी दे दिया इसमें। इसमें हम कुछ नहीं देंगे, सिर्फ नमक, मिर्च और एक छोटा सा प्याज देना है आपको। हम प्याज अभी दे रहे हैं। प्याज काट रही है, छोटा सा देना है आपको, ज़्यादा नहीं देना है एकदम, मतलब छोटा, जितना छोटा हो प्याज हो, अगर ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो एक देना, बड़ा प्याज है उसका मतलब 4% पूरा है, पूरा उसका 4 भाग का 1 भाग। आप अनु चलाएगी मिक्सी, चला दी है इसमें। अब बंद कर दिया इसने, आप इसे खोल के देखेंगे जो कितना हमारा वो पीस गया है। अब देखो आप लोगों को ऊपर से पता चल रहा है, जो पूरा नहीं पीसा है, एक एक दाना रह गया है। तो इसको हम दोबारा पीसेंगे, ये देखो ये रह गया है ना, ऐसे चेक कर लेना पहले, फिर इसको हम दोबारा पीसेंगे। ये देखो स्टार्ट हो गया, फिर हम पीसेंगे। आप पीस के थोड़ा सा देखेंगे क्या लगेगा या नहीं लगेगा, पहले मतलब पीसते भी थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेंगे। इस बार देखते हैं कितना पीस गया, उसके बाद आप खोल दिए, आप देखते हैं। हो गया है, थोड़ा सा रह गया देखो, अरे 80% हो गया है, 20% बचा है, हो जाएगा अभी, और एक बार पीसना पड़ेगा हमें। ये तीखा नहीं हुआ इसमें, हम थोड़ा तीखा तो
कम डाले थे, अब अनु टेस्ट कर रही है, ये देखो। तो टेस्ट कर ली है, अब इस बोल रही है जो नमक सही है, सिर्फ मिर्च डालना है हमें। अब ये देखो ये हरी मिर्च दे रही है। इसमें इसका कलर अगर चेंज करना है, इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रेड चिल्ली पाउडर दे देना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि इसको तो हम तो पकाएंगे नहीं ना कढ़ाई में, तो इसलिए हम सूखी मिर्च बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं डालेंगे, हरी मिर्च से काम चलाएंगे, थोड़ा सा कलर होने के लिए दो एक चम्मच डाल देना। आप इसको और एक बार पीसेंगे। जब हमने मिक्सी स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा पीस जाएगा तो सही होगा। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसे बना है और आप लोगों को कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा। आप लोग घर में भी कभी ट्राई कीजिए, ये रोटी के साथ नहीं चलेगा, ये चलेगा चावल के साथ और बिरयानी के साथ, कोई भी बिरयानी हो, वेज बिरयानी हो, नॉन वेज बिरयानी हो, मटन बिरयानी में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, मटन और चिकन। देखो पूरा एकदम पीस गया है, मक्खन जैसा हो गया। अब अनु निकाल रही है इसे कटोरी में। और ज़रूर लाइक भी कीजिएगा हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। ये देखो निकल लिया है सारा।